दोस्तों स्वागत है आपका ड्राइव साइंस के एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अमित। आज का जो वीडियो है 11th पार्ट है ड्राइविंग सीरीज का, और इस वीडियो में मैं आपको रिवर्स ड्राइविंग के बारे में बताने वाला हूं। सब कुछ आज के वीडियो में कवर करूंगा। रिवर्स करते समय हमारा स्टेयरिंग का मूवमेंट कैसा होगा, फ्रंट का जजमेंट हम कैसे करेंगे, बैक का जजमेंट हम कैसे करेंगे, प्लस हमारा फुट मूवमेंट कैसा होगा, क्लच का कंट्रोलिंग हमारा कैसा होगा, सब कुछ आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि हमें आगे की ओर गाड़ी चलाने तो आना ही चाहिए, साथ ही हमें रिवर्स भी आना चाहिए। रिवर्स हम कैसे करें और किन किन सिचुएशन में हमें रिवर्स करना पड़ता है, वो भी आज की वीडियो में मैं बताऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है बिगनर्स के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमें रिवर्स किन किन कंडीशंस में करना पड़ता है। सपोज करिए आप किसी रोड पे जा रहे हो, आप गलती से किसी गलत रोड पे मुड़ गए और वहां से आपको आगे निकलने का रास्ता नहीं है, तो आपको मजबूरी में रिवर्स आना पड़ेगा। कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है, हमें यू टर्न करने का मौका नहीं मिलता या फिर स्पेस नहीं मिलता। दूसरा, जब हम पार्किंग करते हैं, जब अपनी गाड़ी को पार्क करते हो ना, जब भी हमें रिवर्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जैसे कि आप दीवार से सटा कर रखने वाले हो या फिर आपके घर में स्पेस ऐसा है जहां पे आपको रिवर्स ही करना पड़ेगी गाड़ी। अब दोस्तों अब हम लाइव प्रैक्टिकल देखते हैं कि हमें रिवर्स कैसे करना है और किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है। सो आई होप दोस्तों आपको फ्रंट भी दिख रहा होगा और फुट मूवमेंट भी दिख रहे होंगे। अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है दोस्तों, देखो सबसे मेन चीज यहाँ पे ये होती है कि आपको सबसे पहले अगर आप शुरुआती दिनों में हो तो सबसे पहले आपको अपने ORVM ऐसे सेट करना है कि आपको पीछे का हिस्सा दिखे। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप इनिशियल स्टेज में हो तो आपको ये परेशान कर सकते हैं कि भाई आपको पीछे भी देखना है और सामने भी जज करना है, ठीक है। तो उस पीछे मुड़कर ना देखना पड़े, उसके लिए आप अपने ORVM ऐसे सेट करें कि आपको पीछे का अच्छे से दिखाई दे, मतलब पीछे का मतलब आपको पीछे की बॉडी अच्छी दिखाई दे, ठीक है। उससे क्या होगा, आपके जो राइट साइड के जो ब्लाइंड स्पॉट है और लेफ्ट साइड के जो ब्लाइंड स्पॉट है वो कवर हो जाएंगे, जिससे आपको पीछे अगर कोई गाड़ी होगी तो वो दिख जाएगी, ठीक है। वहाँ पे डर खत्म हो जाएगा कि आपको पीछे मुड़ के देखना है। पीछे मुड़ के देखना इसलिए मैं रिकमेंडेड शुरुआती दिनों में नहीं करूँगा, क्योंकि आपको सामने भी समझना है, क्योंकि अगर सामने गाड़ी खड़ी होगी तो वहाँ पे कैसे करोगे। किसी भी कंडीशन में लेफ्ट या फिर राइट में कोई बाइक या फिर कार या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ खड़ी हो या फिर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट हो जिससे टच होने का डर हो, तो आप पीछे मुड़ के देखोगे और टर्न करोगे उतनी देर में तो आपकी गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अपने दोनों ORVM ऐसे सेट करो कि आपको पीछे का हिस्सा पूरा क्लियर दिखाई दे। आप एडजस्ट कर सकते हो, रिवर्स में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपको IRVM को अच्छे से समझना है कि आपके IRVM में पूरा पीछे का विजन अच्छा क्लियर रहे। अब आती है मैं रिवर्स गियर की बारी। अब हालांकि मेरे गाड़ी में कैमरा लगा हुआ है तो मैं इसको पहले स्क्रीन को ऑफ कर देता हूँ और यहाँ पर कुछ लगा देता हूँ। अब मुझे रिवर्स करना है, मुझे लेफ्ट साइड जाना है, मतलब लेफ्ट साइड जाना है, ठीक है। लेफ्ट साइड जाने के लिए मुझे विजन क्या क्या दिख रहा है, पहले सबसे पहले चीज़ मुझे ORVM में दिख रहा है। दूसरा, मुझे कहाँ देखना है, अपने IRVM में। अगर मेरे जस्ट पीछे कोई गाड़ी खड़ी होगी तो मुझे यहाँ दिख जाएगी। और मुझे इस साइड का भी देखना है कि इस साइड कोई व्यक्ति आ तो नहीं रहा है, ठीक है। ये चीज़ हो गई तीनों चीज़। उसके बाद आपको देखना है फ्रंट साइड का, आपको गाड़ी किस साइड लेनी है, लेफ्ट साइड में लेनी है, तो स्टेयरिंग किस साइड मूव होगा, लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है। यहाँ पे कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है, लेफ्ट में स्टेयरिंग काटते हैं तो हमारी गाड़ी आगे से राइट की ओर जाती है, लेकिन दोस्तों आप बैक साइड के एस्पेक्ट से देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि आपकी गाड़ी लेफ्ट में जा रही है। अगर राइट साइड स्टेयरिंग काटोगे तो आपकी गाड़ी राइट साइड में जाएगी। तो चलिए अभी हम क्लच का मूवमेंट भी समझ लेते हैं कि क्लच का मूवमेंट कैसा होगा। दोस्तों रिवर्स में होता क्या है, हमारा जो गियर का जो पावर है ना थोड़ा ज़्यादा होता है। आप एकदम से क्लच रिलीज़ नहीं कर सकते, और अगर एकदम से क्लच रिलीज़ कर दिया तो आपकी गाड़ी, हो सकता है आपकी गाड़ी बंद ना हो और एकदम से पीछे भागे। फर्स्ट गियर में तो कई कंडीशन में गाड़ी बंद हो जाती है, लेकिन रिवर्स गियर में कई बार ऐसा होता है गाड़ी बंद नहीं होती और आपकी गाड़ी एकदम पीछे जाती है, तो वहाँ पे हम हाफ क्लच का इस्तेमाल करेंगे, समझ रहे हो। लंबा रिवर्स लेना है तो वहाँ उस कंडीशन में आप क्लच पूरा छोड़ सकते हो, गाड़ी एकदम से स्पीड में जाती है। उसी कंडीशन में वो चीज़ करें जब आप रिवर्स में एक्सपर्ट हो जाते हो, ठीक है, क्योंकि आप सामने की ओर देखते हो, ठीक है, और आपकी गाड़ी पीछे की ओर जा रही तो आपको डर रहता है कि आपकी गाड़ी बहुत तेज जा रही है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हम देखते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं रिवर्स में लेफ्ट साइड में, फिर हम मैं राइट साइड में भी आपको बताऊंगा, ठीक है। फुट मूवमेंट आप देखते रहना, फ्रंट का मैं आपको बताता रहूँगा कहाँ से मुझे ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके लिए
आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए अपने बोनट का, वो चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर दूँ। रिवर्स में अगर आप कंजेस्टेड एरिया में रिवर्स कर रहे हो, अगर वो चीज़ आपको नहीं आती है, तो मैंने एक पार्किंग वाला वीडियो बनाया है, मैंने घर के बहुत कम स्पेस में पार्किंग करी है, एक तरफ बाइक थी एक तरफ कार थी, और मैंने किस तरह से रिवर्स लिया था उसका एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो है, आई बटन में लिंक दे दूंगा, वो पहले देख लेना। अब हम रिवर्स चलते हैं, क्लच लिया, ये देखिए रिवर्स गियर लगाया, हैंड ब्रेक को रिलीज़ करा, और मैं अभी तो सीधी सीधी जान दूंगा, ठीक है। ये देखिए मैं IRVM का सहारा ले रहा हूँ, ORVM का सहारा ले रहा हूँ, और इस साइड में देखते हुए जा रहा हूँ, ठीक है। आपको आई होप ये पट्टी दिख रही होगी, ये पट्टी को रेफरेंस लेकर के चल रहा हूँ कि मुझे स्ट्रेट चलना है, ठीक है। सामने का जज मैं कैसे करते जाऊँगा IRVM से, और इससे मुझे पता चलता रहेगा कि मैं सीधा जा रहा हूँ, ठीक है। और मैं ORVM को हमेशा देखते रहूँगा दोनों साइड के। अब जैसे टर्न आ गया है, ये टर्न आ गया है, आप देख सकते हो इस साइड आपको पूरा क्लियर दिख रहा है। ORVM में देख लो कि ये वाला जो पोर्शन है इससे आपकी गाड़ी आधी बाहर हो गई है, ठीक है। मैं अभी बाहर कर लेता हूँ, देख सकते हो मेरी गाड़ी, ये वाला जो पोर्शन है ना पेड़, ये पेड़ मेरी गाड़ी के सेंटर में आ गया और इस साइड रोड पूरा खाली हो गया। अब मैं क्या करूँगा, स्टेयरिंग घुमाना स्टार्ट करूँगा, ठीक है, स्टेयरिंग घुमाना स्टार्ट करूँगा, और आप इस साइड देखते हो, मुझे इस साइड की आने वाली रोड पर भी ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि इसी साइड से लोग आ सकते हैं। अगर इस साइड से आएंगे तो वो वाली पट्टी से आएंगे तो इधर इतना लोड नहीं है, लेकिन आपको ये वाली पट्टी का ध्यान रखना है, ठीक है। ये वाली पट्टी का ध्यान देते जाओ, और धीरे धीरे जैसे मैं क्लच कैसे कर रहा हूँ, ब्रेक पर पैर रख के, और यहाँ इस साइड का आपको पोर्शन ध्यान रखना है, इस साइड का बोनट आपका कहीं टच तो नहीं हो रहा है। अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो आप ऐसे उठ के देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आप इनिशियल स्टेज में हो तो आप ऐसे उठ के देख सकते हो, आपको बोनट दिख जाएगा, कुछ टच नहीं हो रहा है, और इसमें भी क्लियर नहीं हो रहा है तो आप अपनी गाड़ी का विंडो ओपन करें और यहाँ देख लें, इसमें एक बार देख लें, नोटिस कर लें कि यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट तो नहीं है, कुछ भी ऑब्जेक्ट तो नहीं है। अगर नहीं है तो ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट है तो अपनी स्टेयरिंग को थोड़ा सा सीधा करके थोड़ा सा और पीछे ले लें और वापस से स्टेयरिंग मूव कर लें, वो ऑब्जेक्ट निकल जाने के बाद। ये चीज़ हो गई, उसके बाद अपनी गाड़ी का कांच बंद करना हो तो करें, नहीं तो मत करें, आपके ऊपर है। और इस साइड फिर देखते हुए जाएं, इस साइड कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, आप देख सकते हो मैंने स्टेयरिंग राइट में घुमाया, देख सकते हो इधर कोई भी नहीं है, मैं काटते जा रहा हूँ काटते जा रहा हूँ, मेरी स्टेयरिंग का मूवमेंट सिंपल सा है, क्लच का मूवमेंट सिंपल सा है, तो ये देख सकते हो। अब आ गए हम, स्ट्रेट करेंगे अपना स्टेयरिंग और जिस डायरेक्शन में जाना है हम निकल जाएंगे। तो ये होता है दोस्तों लेफ्ट साइड का प्रॉपर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, राइट साइड का भी देख लेते हैं ऐसा कि राइट साइड में कैसे होगा, ठीक है। तो वापस चलते हैं और उसी पोजीशन पे थोड़ा डिफरेंट एंगल पे हम, ठीक है, मैं बहुत इजीली लेफ़्ट और राइट कर लेता हूँ दोस्तों, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि मुझे इतना आइडिया हो चुका है कि कैसे हमारी गाड़ी का मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। अब वही चीज़, अब मुझे क्या करना है, अपने राइट साइड में जाना है, मतलब इस साइड जाना है, तो स्टेयरिंग को मैं इस साइड घुमाऊंगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इतना बेसिक चीज़ें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि स्टेयरिंग में किस साइड घुमाऊंगा तो किस तरफ जाएगी, सिंपल सा है। पीछे बैक साइड का रिव्यू लेकर के चलो। अब मैं आपको एक काम करता हूँ, पीछे साइड बता करके रिवर्स करके देखता हूँ, ठीक है, मैं सही से कर पा रहा हूँ कर पा रहा हूँ। एक तो मैंने आपको ये बता दिया कि आप ORVM और IRVM का सहारा लेके करो, और अब मैं बताता हूँ आप बैक साइड से कैसे कर सकते हो, मतलब बैक साइड घूम करके आप कैसे कर सकते हो। वो चीज़ मैं तभी रिकमेंड करूँगा आप जब थोड़े से एक्सपीरियंस हो जाए रिवर्स में। अब मैं लगाता हूँ गियर रिवर्स, ये देखिए रिवर्स गियर लगा दिया, हैंड ब्रेक रिलीज कर दिया, ठीक है, अभी ब्रेक लिया अपन ने। अब मैं देखो आप रिवर्स करते हुए जाऊंगा, मुझे क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है इस साइड में, है ना। सबसे पहली चीज़ मुझे ये ध्यान रखना है कि इस साइड का ORVM जज करते हुए जाना है, रोड कहाँ तक जा रहा है, कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। IRVM तो हम देखेंगे नहीं, हम इस साइड का ORVM भी देखेंगे, कोशिश करेंगे देखने की, बाकी मैं आपको पीछे साइड से बताऊँगा। और सबसे ज़्यादा मेन चीज़ आपको आगे का इस साइड का बोनट ध्यान रखना है, लेफ्ट साइड का। लेफ्ट साइड का जजमेंट कैसे करोगे, बहुत इजी है, बता चुका हूँ, एक बार वो देख लेना, ठीक है। अभी हम चलते हैं, स्टेयरिंग अभी हमारा सीधा रहेगा, ठीक है। ORVM भी हमको दिख रहा है कहाँ पे है रोड। अब हम पीछे की ओर देखते हैं, आई होप आपको पूरा दिख रहा होगा, अभी हम चलते हैं। ये चीज़ कब होती है दोस्तों, जब आपको एकदम स्ट्रेट जाना हो, ठीक है, ये चीज़ आ गई, और उसके बाद मुझे इस साइड मुड़ के देखना है कि मैं प्रॉपर पहुँचा कि नहीं इस पोजिशन पर,
तो देख सकते हो मैं प्रॉपर पोजिशन पे नहीं पहुंचा हूं, मैं थोड़ा सा और रिवर्स जाऊंगा, ठीक है, इस साइड का देखते हुए रिवर्स जाऊंगा। अब मैं उस पोजीशन पे आ गया हूं कि मेरे को स्टेयरिंग अब राइट में काटना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं स्टेयरिंग को राइट में काटना स्टार्ट करूंगा, ठीक है, और इस साइड देखते हुए, ठीक है, क्योंकि हर कंडीशन में अलग अलग तरीके से आपको देखना होता है, सामने भी देखना है, इधर से गाड़ियां आ रही है ना उनको भी समझना है, ठीक है, इधर देख लिया अपने विजन आपका क्लियर हो गया, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप इस साइड ध्यान मत दो, अब इस साइड ध्यान दो, इस साइड ध्यान देने के लिए आपको ORVM का यहाँ पे अब सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है, तो आप मेन चीज इस साइड ध्यान दो, इस साइड ध्यान दो, इस साइड ध्यान दो, ठीक है। अब मैं चलते जा रहा हूँ, इधर भी ऑब्जेक्ट देख रहा हूँ, कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं, इधर से कोई गाड़ी आ रही होगी तो मैं उसको निकल जान दूंगा, जैसे कोई गाड़ी आ गई निकल गई, फिर निकल गया, वापिस से मूवमेंट करा अपने क्लच का, और आप देख लो कितनी ईजी है, बहुत आराम से करना है आपको, ऐसा नहीं है कि भागा दौड़ी में जल्दी जल्दी करना है, ये देखो इजीली मैं अपनी ही पोजीशन में आ गया, मैं स्टेयरिंग कर लूंगा स्ट्रेट, ये हो गया, सिंपल सी चीज है दोस्तों, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है, बस आपको ये है कि प्रॉपर समझ में आना चाहिए कि आपका मूवमेंट कैसा होना है, आपका फूट कंट्रोल कैसा होना है, और आपको IRVM और ORVM बहुत अच्छे से समझना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप ड्राइविंग सीखते हो ना तो IRVM और ORVM बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी ड्राइविंग में, तो ये दोनों चीज़ आपको आनी चाहिए। तो दोस्तों ये चीज़ है दोस्तों, इन सब चीज़ों का ध्यान रखो, आप रिवर्स आसानी से कर लोगे। आई होप आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिली होगी, अगर आपको अभी भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट दे सकते हो, मैं फिर से जो भी आपको डाउट होगा वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन वो इस सीरीज़ का नहीं रहेगा, वो Q&A सीरीज़ का रहेगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।